अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में मुंसिफ हनुमैया के नाम का ही डंका बजता था इस गांव में। सख्ती से उसके कानून के पालने की वजह से सभी उससे डरते भी थे और उसकी न्यायप्रियता के लिए उसका आदर भी करते थे। गांव के लोग तो हनुमैया को अमरावती का धर्मध्वज कहते थे, और वो था भी धर्मध्वज की ही तरह सीधा तना हुआ, 6 फीट से कुछ ज्यादा ही ऊंचा। अगर कभी वो बाजार के बीच से निकलता तो वहां का फैला छितरा जीवन व्यवस्थित हो जाता था। जुग जुग जीता रहे बेटा, तेरा नाम चांद और सूरज जैसा चमके, तो इंसाफ करता है ना, तो बड़ा मुंसिफ बन गया है, तू ही मेरा इंसाफ कर सकता है। आ, मेरे साथ आ बेटा, मेरे साथ आ। देख बेटा देख, मेरे पति यानी तेरे मरहूम चचा सारी जिंदगी जिस जगह पर अपना खोमचा लगाते रहे, उसी जगह पर ये मर्दूत किश्तैया चाकू और छुरा दिखाकर अपना खोमचा लगा रहा है। और मेरा बेटा यानी तेरा सीधा साधा भोला भाला भाई मारा मारा गले गले फेरे लगाता है, इसे भगाओ यहाँ से, हमें अपने घर को बर्बादी से बचा दो बेटा। क्यों रे? भाग क्यों रहा था? अंग्रेजी हुकूमत के सामने से भाग के कहा जाएगा? हाँ, इस बूढ़ी अम्मा को तू छुरा तलवार दिखाता है? इस जगह पर दुकान लगाने का सरकार को टैक्स देता है क्या? नहीं ना? फिर इस जगह पर तू अपना हक कैसे जता रहा है? एक, कल से तू यहां दुकान नहीं लगाएगा, वरना अब अपने बेटे को कल से यहाँ दुकान लगाने को बोल। भगवान तेरा नाम और उजागर करे बेटा, सूरज से भी ज्यादा चमके तेरा नाम। वेरी गुड, तुम अच्छा काम करता है। अंग्रेज सरकार तुमसे बेहद खुश है। कमिश्नर साहब बोला, हिज हॉनेस्ट बोला कि वर टाइम के राइट बेहतर बनाकर यहाँ से जाएगा। ये सब सरकार की मेहरबानी है। लगान वसूल करना तो हम सबको हनुमैया जी से सीखना चाहिए। जी वो अंग्रेज हुकूमत तुमसे खुश है क्योंकि तुम कभी कोई बहाना नहीं खाता है, ईमानदारी से काम करते हो। जी सर। विलायती हुक्मरान काम को अहमियत देते हैं, ना कि चापलूसी को। मैं तो सबसे ये बात कहना चाहूंगा कि हमें इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए जैसे कि हनुमैया जी ने बांध रखी है। यस सर। और कमिश्नर साहब के लिए क्रिसमस की डाली गाड़ी में रखवा दी है कि नहीं? जी हाँ। और नए साल के लिए नया नजराना? वो भी बिल्कुल तैयार है सर। ब्रिटिश सरकार को तुम जैसे वफादार नौकर पे बेहद नाज है। सरकार को खुश रखो तो तुम्हारा भी बेहद फायदा होगा। टैक्स वसूलने में रहमत करना, नो मर्सी। वो का टाइम है, सरकार को पैसा चाहिए। इट्स अ क्रूशियल टाइम एंड गवर्नमेंट नीड मनी। यस सर, समझ गया। कैसे हो पुनैया भाई? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। अरे भाई, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। बैठिए। बैठो बैठो। बहुत प्यास लगी है लक्ष्मी बहन, जल्दी से एक गिलास छाछ बना कर ले आओ भाई साहब के लिए। मैं भी आई। हाँ, जानते हो ना मैं क्यों आया हूँ? एक दिन और नहीं रुक सकते? रुक सकता तो आता ही नहीं। मुंसिफ भाई, सिर्फ 172 रुपए की बात है। तुम अच्छी तरह से जानते हो सरकार युद्ध में उलझी हुई है, और लड़ाई के लिए एक एक पैसे की कितनी जरूरत होती है ये तुम जानते हो कि नहीं? जानता भी हूँ, समझता भी हूँ। तो फिर हमें यहाँ से जल्दी विदा कर दो। अरे भाई, आराम से बैठिए, छाछ पीजिए और कल। लगता है कि तुम नहीं चाहते हो कि हम इस जगह पर बने रहे। आखिर हमसे क्या गलती हो गई पुनैया? गलती और आपसे? हाँ? हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम ऐसा सपने में भी सोच सके। अगर ऐसा ही सोचते हो तो सरकार का टैक्स अभी तक क्यों नहीं दिया? वो क्या है कि
कुछ तंगी में पड़ गया था। बाजार में माल भी बेचा था, उसका भुगतान आने में देरी हो गई। अंग्रेजी सरकार के टैक्स को बाजार की उगाही से काय को जोड़ते हो पुनैया? सिर्फ दो हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए बस। कल डिप्टी साहब आए थे, बहुत धमका के गए हैं। सिर्फ दो दिन रुक जाइए। शुक्रिया बहन जी। फिर मैं खुद पूरी रकम आपको पहुंचा दूंगा। अगर छाछ खत्म होने तक सरकारी टैक्स नहीं मिला तो फिर इसका मतलब है रुपए अभी ही देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, अभी ही देने होंगे। ठीक है भाई, नहीं मानते हैं तो देना ही पड़ेगा। आज बाजार से 200 रुपए मिले थे, वही मैं आपको दे रहा हूं। ये लीजिए मुंसिफ भाई, सिक्का चांदी का, मोहर विक्टोरिया की। है, मालिक तुम आए बाप आप? अरे क्या समझ लिया है? अंग्रेजी सरकार मर गई और तुझे बिना लगाम के छोड़ दिया? पेट भर के खाना खाने में तो कोई कोताही नहीं करते, फिर टैक्स देने का समय आता है तो सारा पैसा कहाँ गायब हो जाता है? नहीं माई बाप, ऐसी बात नहीं है। मालिक वो दुनिया का गौना था, हाथ थोड़ा तंग हो गया। लड़के का बाप है कि अकड़ गया, बिना नकद लिए बिना। जमाना बहुत खराब हो गया है, सभी लालची हो गए हैं। पैसा के लिए लोग अपने बच्चे को बेचने को भी शर्म नहीं महसूस करते। तूने कही सरकार का पूरा 56 रुपया तो खर्च नहीं किया? नहीं नहीं मालिक, पूरा नहीं, सिर्फ 50 रुपए। लेकिन मालिक अब हमें सिर्फ 7 दिन की मोहलत दीजिए, हम आज के 7वें दिन पूरा का पूरा पैसा कचहरी में जमा कर देंगे मालिक। 7 दिन माने 7 दिन? बिल्कुल बिल्कुल मालिक, 7 दिन। अगर 7वें दिन पैसा नहीं मिला तो गाय बैल हकवा के कचहरे में मंगवा दूंगा, समझा? जी जी मालिक जी। चलो। दुहाई हो माई बाप दुहाई, उस चल भैया ने अपने मवेशी मेरे खेत में हकाकर मेरा पूरा खेत बर्बाद करवा दिया। अब तो वहां पर एक भी पौधा नजर नहीं आता है। कल सांझ तक मेरे खेत से हरियाली की खुशबू आती थी, उस चल भैया के बच्चे ने मुझे बर्बाद कर दिया। मालिक अब आप इंसाफ कीजिए। ओहो, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? 2400 घंटे का गुलाम, ये कोई समय है इंसाफ करने का? मालिक आप हमारे धर्म पालक हैं, आपसे ना कहें तो किसके पास जाएं? अच्छा ठीक है ठीक है, उसके मवेशी अभी तक तुम्हारे खेत में है या भगा दिया? जी मालिक वही है। तो अभी तुम चुपचाप से अपने घर में जाके बैठ जाओ। सिपाही, खेत में जितने भी मवेशी होंगे सबको कानी हाउस में डाल दो। क्या बात है, कौन हो तुम? मैं छलमैया हूं साहब। छलमैया? तो तूने ही अपने ढोर डांगर रमैया के खेत में छोड़ दिए थे ना? नहीं मालिक, मैंने नहीं छोड़े थे। फिर? वो तो चरवाहे का छोकरा था मालिक, वो मवेशियों को काबू में नहीं रख पाया और सारे मवेशी खेत में घुस गए मालिक। तुम्हारा कोई खेत है? जी मालिक, एक छोटा सा टुकड़ा है। अगर तुम्हारे खेत में कोई मवेशी छोड़ दे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? इस बार माफ कर दीजिए मालिक, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मालिक। उसके खेत का नुकसान जांचने के बाद ही कुछ फैसला होगा। मेरे मवेशी छोड़ दीजिए मालिक, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है मालिक। गैया का दूध बेच के अपने बच्चों के लिए कुछ टुकड़े चावल खरीद पाऊंगा मैं। रमैया के बच्चे के बारे में सोचा है? मेरी गैया पर दया कीजिए मालिक,
उनको शाम को दूना बहुत जरूरी है मालिक, और वो किसी और को नहीं दूने देगी मालिक। हमारे आदमी ने उसका दूध दू लिया है, दूध घर में भी भिजवा दिया, 125 दूध निकला है। हुजूर, छलमैया आया है बाहर। माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा मालिक। कसम खा के वादा कर तो इस बार छोड़ दूंगा। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा मालिक। और ये लो अपने गाय के दूध का पैसा। अरे क्या बात है भाई, आज बुटिया लमा का त्योहार है जानते हो ना? हम सब वहीं से आ रहे हैं मालिक, वही तो इसने। फिर कम से कम त्योहार के दिन तो मुझे चैन से सांस लेने दो भाई। नहीं नहीं मालिक, आज के दिन हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते, इसको तो हम सीधे पुलिस के हवाले करने वाले थे। फिर वहां क्यों नहीं गए? मामला मामूली चोरी का नहीं है मालिक, मामला मुथई लम्मा को चढ़ाए हुए प्रसाद को चुराने का है। माई के प्रसाद की चोरी? हाँ मालिक, हम माई को प्रसाद चढ़ा के उनकी आरती उतार रहे थे, इतने में 3-4 लोग आए और माई का पूरा प्रसाद लेके चंपत होने लगे। वो तो हमें समय रहते भनक लग गई। क्या भनक लगी? यही कि कोई कुछ खिसका रहा है, लेकिन हम जब तक समझते और पलट के देखते तब तक वो सब 9-2-11 हो चुके थे। फिर क्या मालिक, आरती को बीच में ही छोड़ के हम इनके पीछे दौड़ पड़े। फिर क्या हुआ? अब फिर क्या, वो सब आगे आगे और हम सब पीछे पीछे। भला हो उस पत्थर का जिसको टकरा के ये नीचे गिर गया, वरना ये भी उनकी तरह भाग जाता। क्या नाम है तुम्हारा? पलैया मालिक। कहाँ रहते हो? पड़ोस के गांव। माई का प्रसाद चुराते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? दिल जरूर जोर जोर से काप रहा था मालिक। चोरी करते हो और दिल की बातें करते हो? कब से चोरी कर रहे हो? कभी पकड़े गए हो? कभी सजा हुई है? ना मालिक। यानी चोरी करते रहे और पकड़े भी नहीं गए? ना ना मालिक, चोरी हमने कभी नहीं किया, हम खेतियार हैं मालिक। वो तो क्या है कि माई में चढ़ा मांस का महाप्रसाद देखकर मुंह में पानी आ गया और बस। बहुत खराब काम किया है इस लड़के ने, इसे सामने के पेड़ से बांध दो, कल सुबह इसका हिसाब करेंगे। क्या जमाना आया है, लोग माई के प्रसाद को चुराने से भी नहीं डरते। एक चोर पकड़ा गया है, रात भर के लिए पेड़ से बांध के रखा है उसे। अच्छा किया है मुतिल अम्मा के प्रसाद की चोरी। छी 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 छी, बहुत बुरी बात है। माई आपको हमेशा सद्बुद्धि दे कि लोग आपके न्याय की दुआई देते रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए। माई ने तुम्हारे जैसे पत्ते दिए यही बहुत है। इस घर की सुख शांति सब तुम्हारे धर्म कर्म का ही फल है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा। जो आप जैसा पति मिला, मेरी माई से एक ही प्रार्थना है, सुहागन बनाया है सुहागन ही बुला लेना। अरे वो बेचारा लड़का रात भर भूखा प्यासा पेड़ से बंधा रो रहा होगा, मन में विचार आता है कि उसे सजा दी है ना, तो फिर उसके लिए
कलेजे पर दर्द का बोझ मत उठाइएगा। चोर के लिए इतने बेचैन क्यों? बच्चा है। तुम सुबह एक काम करोगी? क्या? उसके लिए थोड़ा सा मांस बना देना। इतना नरम दिल, तो फिर चोर डकैत को सजा कैसे देते हो जी? बना दूंगा, बेचारा रात भर सजा भुगत रहा है। ठीक है, सब बन जाएगा। अब तो सो जाइए। एक बात बताओ, देखने में इतने भोले भाले लगते हो, फिर चोरी क्यों करते हो? हाँ, चोरी नहीं करते हैं मालिक, हम सब मोतिया लंबा माही की पूजा देखने आए थे। हाँ। वहां पर महाप्रसाद रखा, देखा कोई नहीं था, प्रसाद के पास मालिक कोई नहीं था, मुंह में पानी आ गया मालिक। हमने सबको छकाने की सोची, चोरी की नहीं मालिक, चोरी की नहीं सोचा, और हम सबने प्रसाद उठाया और भाग खड़े हुए। फिर कभी ऐसा मत करना, अच्छा विचार करना है। मेहनत की कमाई पर भरोसा रखना, चोरी का विचार भी कभी मन में मत लाना। चोरी प्रसाद की हो या फिर पैसे और जेवर की हो, चोरी चोरी होती है। इस बार माई की कृपा से बच गए, फिर कभी माई मदद नहीं करेगी, याद रखना। कान पकड़ता हूं मालिक, फिर कभी ऐसी बात मन में नहीं लाऊंगा। हाथ मुंह धो के आराम से बैठ के खाना खा लो और सीधा अपने घर चले जाना। हाँ? पानी नहीं बरसा, खेत की माटी पानी के लिए तरसती रही, सूखी माटी में दरारें पड़ गईं, जानवर मरने लगे, अन्न का अभाव लोगों को त्रस्त करने लगा, नदी नालों के पानी से लोग किसी तरह अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करने लगे, भुखमरी और बीमारी का प्रकोप आया। ब्रिटिश सरकार को वॉर के लिए पैसा चाहिए, चाहे जैसा भी हो। क्या करें सर, पिछले बार की तरह इस साल भी पूरे इलाके में सूखा पड़ गया है, सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं, अब तो लोगों को डर है कि कहीं अकाल ना पड़ जाए। सूखा पड़े या अकाल, हमका उनसे कोई मतलब नहीं है, हमका पैसा चाहिए, दैट्स ऑल। लेकिन सर, लोगों के पास पैसा है ही नहीं। सरकार के सारे मुलाजिम काहिल हो गए हैं, टैक्स की वसूली भी नहीं हुई है, 20% भी कलेक्शन नहीं हुआ है, पूरे इलाके में सारे अफसरों को वार्निंग दे दो, अगर थोड़ी वसूली 10 दिनों के अंदर नहीं हुई तो सबका सस्पेंड कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? नहीं सर, वार्निंग से कुछ नहीं होगा,
हमें खबर मिली कि नॉर्थ में बगावत हो गई है। ऐसे समय में हम सबको सोच समझ कर कदम उठाना होगा सर। हाँ, हमें सभी अफसरों को चिट्ठी लिखकर समझाना चाहिए। नॉर्थ साउथ से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है टोल से टैक्स कलेक्शन से। हिंदुस्तानी पैसे का सोना बनाकर घर में छिपा कर रखता है, उनके बाहर निकलवाना होगा पूरी शक्ति से और मारपीट कर उनका छिपाया पैसा बाहर निकलवाओ, घर के खुड़की करो और उनके घर के सामान की नीलामी, ऑक्शन, ऑल दिस। जिन जिन लोगों ने इस साल लगान नहीं चुकाया है उनका सामान नीलामी के लिए यहां पे रखा हुआ है। अच्छा सामान कम दाम, तो लगाओ बोली और ले जाओ ये सारा सामान। बोलो। अरे बोलो। बेवकूफ। इस नीलामी की असफलता से सरकार क्षुब्ध हो गई और गुस्से में आकर उसने ऐलान करवा दिया सुनो 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 गांव वालों सुनो, जो भी कल सुबह तक लगान नहीं देगा उसे 25 कोड़े लगाए जाएंगे। इस सरकारी ऐलान को सुन बहुत सारे लोग तो गांव छोड़ भाग गए और जो बचे कोसराज रंगाड़ू ना। जी साहब कोसराज रंगाड़ू। अब तक तूने लगान क्यों नहीं चुकाया? साहब सूखा पड़ा हुआ है, खेत में अनाज नहीं है, घर में खाने के लिए दाना नहीं है, लगान कहां से भरे साहब? बहाने बहाने, हर बार नए नए बहाने। नहीं साहब। साहब के बच्चे, तुझे अब मैं बताऊंगा कि तू लगान कैसे चुकाएगा। ले चले इसे। नहीं साहब, माय बाप, अंग्रेजों ने लोगों की धरपकड़ शुरू की है, अपने रंगाड़ू को पकड़ के ले गए, उसने लगान का भुगतान नहीं किया इसलिए। ठीक है तुम लोग जाओ। पहले कि मेरा कोड़ा तुम लोग की पीठ पर बरसे, मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूं। चलो निकालो पैसे। खाने को दाने दाने के लिए तरस गए हैं साहब, अब पैसा कहां से निकालें? घर का कुर्की कर लिया है, उसमें से पैसा निकाले पूरे घर को कोट दिया है साहब। ये सरकार तुमसे ठीक नहीं, लगान मांग रही है लगान, समझे? पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। अरे अब पैसे देने के लिए बचा ही क्या है हमारे पास? जो बदन पर कपड़े बचे हुए हैं ये भी निकाल कर दे दीजिए अंग्रेज सरकार को, अब तो हमें नंगे घूमने में भी शर्म नहीं आने वाली। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। एक बांध देने पैरों से। रुक जाइए। पहले मुझे बांध दो साहब। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, इनके साथ मुझे भी बांध दो। देखिए अगर आप इस तरह से जिद करेंगे तो मजबूरन मुझे आपको भी बांधना पड़ेगा। बांध दीजिए, क्योंकि मैं भी इन्हीं लोगों में से एक हूँ जिन्हें खाने के लिए जंगल में अब
कंदमूल भी नहीं मिलता, इन्हें को एक समय के लिए भी पार नहीं मिलता। हमारे पास पैसे नहीं है सरकार, लेकिन लेकिन मार खाने के लिए हम तैयार हैं। कोड़ा लगाने से सरकार को अगर पैसे मिल जाएंगे तो लगाइए कोड़ा, लगाइए, लेकिन पहला कोड़ा मुझे लगाइए, क्योंकि इस सूखी रेत से मैं पानी नहीं निकाल सका। लगाइए पहला कोड़ा मुझे लगाइए। जयम जयम हनुमैया गारू, जयम जयम हनुमैया गारू, धर्मपालक हनुमैया गारू की, 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 धर्मपालक। उस साल अमरावती के किसानों खेतीहरों का टैक्स माफ हो गया। लोग हनुमैया को और भी अपना समझने लगे और भी आदर करने लगे। इस साल के बाद तो धर्मध्वज की ऊंचाई कुछ और भी ऊंची हो गई थी।